सभा भाव, नृत्य भाव, गत अर्थ भाव और अंग भावों की बात हम लोग कर रहे थे। ये तरह तरह के भाव हैं जो एक सुंदर नृत्य रचनाओं को हमारे सामने रखते हैं। बात है उपमाओं की, तो उपमाएं हम कैसे कैसे देते हैं और कहाँ कहाँ से चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है प्रकृति, व्यक्ति, नायक नायिका, इन सब की उपमाओं को हम लोग देते रहते हैं। चला स्विच ऑफ करके फिर ऑन। गांव में ऐसा मुझे लगता है प्रकृति से हम लोग चीज़ें लेते हैं, जैसे मोर दिखाना है, तरह तरह के चीज़ें लेते हैं। प्रकृति, चांद, तारे, सूरज, पेड़, नदी, झरने, फूल, भौरे, भंवरे, हिरन, मोर, हाथी, ये सब चीज़ों को लेते हुए प्रतीकात्मक और सांकेतिक संकेत जहाँ जहाँ पर आते हैं वहाँ हम हस्त मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, पाद भेद का करते हैं, दृष्टि, ग्रीवा भेद, भ्रू भेद, अनेकों भेद जो नाट्यशास्त्र में वर्णित हैं, भाव की अभिव्यक्ति में उपमाओं को दिखाने के लिए हम उनका बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि कलाकार की, एक आर्टिस्ट की अपनी चिंतन शैली जो विशेष रूप से काम करती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही पूरा पूरा हमारे व्यक्तित्व में, हमारे नृत्य में परिलक्षित होता जाता है। तो वहाँ पर चिंतन तो एक अपने आप में बहुत काम करता रहता है। जैसे कि एक बहुत सुंदर ठुमरी है, आवत श्याम लचक चले मुकुट धरे। अब इसमें लचक, जब कृष्ण आ रहे हैं तो कैसे कैसे लचक दिख रही है, चाल की लचक है, वस्त्र की लचक है, उनके मुकुट की लचक है, वो बांसुरी को लिए हुए हैं तो बांसुरी किस तरह से बजा रहे हैं। अब ये कल्पनाशीलता पर है कि आर्टिस्ट किस तरह से उपमाओं का प्रयोग लेते हुए अपने नृत्य के, अपने भावों के सौंदर्यों की अभिवृत्ति कर सकता है। लाल है, जैसे महाराज जी भी बहुत सुंदर बताते हैं और बड़ा सुंदर लगता है कि लाल क्या है। लाल, लाल लाली से भी हम इंगित कर सकते हैं, गालों की लाली, होठों की लाली, माथे की जो बिंदिया है उसकी लाली, सिंदूर है उसकी लाली, जो काम क्रीड़ा की गई है और उससे जो लाज चेहरे पर है उस लाज और लज्जा की लाली, साड़ी का आंचल लाल, और जो बाह में बेटा है वो बेटा भी लाल, सूर्य भी लाल। तो लाल कितने तरीकों से प्रतीक, कमल का पुष्प लाल, ये जो उपमाएं हैं, और जब इसमें नृत्यकार बहुत सुंदर तरीके से भावों के साथ दिखाता है तो वो इतने अच्छे तरीके से ऑडियंस को अपने साथ जोड़ता चलता है। दूसरा, जब ऑडियंस भी उस तरह की प्रबुद्ध बैठी हो तब तो फिर करने की बात ही अलग हो जाती है और वो उन चीज़ों को, भावों को समझते जाती है। ठीक वैसे ही, जैसे एक और उदाहरण दे रही हूँ, विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए है, कि नायक को नायिका जाने नहीं देना चाहती, तो अब वो नायक को क्या क्या समझने लगती है। वो एक पिंजरे में बैठा तोता समझती है नायक को, कहती है मैं पर काट दूंगी लेकिन जाने नहीं दूंगी तुमको, तुम यहीं रहो मेरे साथ, तुम्हारी पगड़ी रख लूंगी, तुम्हारी तलवार रख लूंगी, तुम्हारे घोड़े की रास पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी, दरवाज़ा बंद कर दूंगी, मैं दीपक बुझा दूंगी, अगर सूर्य उदय होगा तो उसको रोक दूंगी लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो क्या क्या चीज़ों को वो कल्पना के साथ भावों में भर सकती है, इन उपमाओं का प्रयोग हमारे भावों में बहुत श्री वृद्धि करता है। आज मैं, बहुत सारी बातें हुई भावों पर और बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं, गीत हैं, गज़ल हैं, वंदना है, लेकिन आज मैं समस्या पूर्ति को उठा रही हूँ, जो कि एक अभिनय की बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको हमारे पुराने गुरु करते थे, आज भी बड़े गुरुजन हैं वो लोग करते हैं, शमाताई को भी मैंने देखा है उसको करते हुए और रोहिणी दीदी को भी हम लोगों ने लखनऊ में देखा है करते हुए। मेरी बहुत पसंदीदा एक समस्या पूर्ति है जिसको मैं आपके सामने रख रही हूँ कि देखिए भाव कैसे कैसे उपमाओं को लेते हुए बात करते हैं। तो समस्या क्या है, समस्या है कि ही कारण सुंदरी हाथ जड़ो, सुंदरी का जो हाथ है वो ये जल कैसे गया, ये समस्या है। लेकिन उसकी पूर्ति किस साहित्य से हो रही है, किन भावों से हो रही है, देखिए। नई अबला रस भेद न जाने, नई नायिका है, नायक के साथ बैठी है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि वो रस भेद नहीं जानती है, अभी तो वो बिल्कुल मुग्धा है, उसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। नई अबला रस भेद न जानत, सेज गई जिय माह डरी। जैसे ही वो सेज पर बैठी अपने नायक के साथ, वो मन ही मन एकदम घबरा गई और डर गई कि ये क्या हुआ, किसी अनजान के साथ बैठी, अभी वो उसके साथ उतना उसका प्रणय गहरा नहीं है, संबंध गहरा नहीं है। नई अबला रस भेद न जानत,
सेज गई जिय माही डरी, रस बात कही तब चौंक चली। रस की जहां नायक ने थोड़ी सी बात की तो वो चौंक गई, अरे ये कौन सी बातें हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अरुधाय के कंत ने बाह गई, और जैसे ही उसकी बाह पकड़ ली गई अब तो वो बिल्कुल ही घबरा गई, क्योंकि वो तो अनजान थी कि आगे अब क्या होने वाला है। दोन के झकझोरन में अली गांठ पीताम्बर छूट पड़ी, और दोनों की छीना झिट्टी में जो पीताम्बर का गांठ थी वो खुल गई। कर दीपक कामिनी ढांप लियो, जो दीपक जल रहा था सेज के पास, उसको लज्जा में संकोच में उस नायिका ने ढांप लिया, और जब ढांप लिया उस दीपक को, यही कारण सुंदरी हाथ जलो। सुंदरी का हाथ इस कारण जला था, लेकिन उसकी समस्या कितनी बड़ी थी ये और कोई नहीं बता सकता, ये एक कलाकार ही बता सकता है कि कैसे कैसे मुग्धा नायिका ने किन संचारी भावों को लेते हुए शर्म की, संकोच हुई। उसे तो वो रस नहीं पता था, लेकिन उन रसों का भी इतना सुंदर भावाभिव्यक्ति करके उसने ऑडियंस तक वो एक लाइन की समस्या की जो पूर्ति थी चार लाइन की, उसको अपने अभिनय के द्वारा दिखाया। और अब यहाँ पर उसकी कल्पनाशीलता आती है कि वो अभिनय को और किन किन माध्यम से दिखाती है, कि कैसे उसे लज्जा आई, कैसे उसे संकोच हुआ, और दोनों की झकझोरन कैसे हुई। यहाँ पर कैसे नायक उसके चारों तरफ मंडरा रहा है, जैसे कमल के चारों तरफ एक भंवरा मंडराता है। नायिका कैसे शर्मा रही है, अभी उसमें वो सारी चीज़ें नहीं है कि लाज संकोच छोड़ दे, अभी इसको बहुत विस्तार में मैं नहीं जाती, समय कम है और नेटवर्क का भी इशू है। तो ये भावाभिव्यक्ति के लिए जो समस्या पूर्ति हैं, इनमें असंख्य अनेक उपमाओं का प्रयोग हम आर्टिस्ट करते हैं, और अपनी कला के रंगों से उस कैनवस को भरते हैं, और वो अभिनय को दर्शकों तक पहुँचाते हैं। अभिनय का ये एक अभिन्न अंग है, मेरा ऐसा सोचना है, मानना है। इसके साथ ही एक और समस्या पूर्ति पढ़ती हूँ। निक स्यो रवि फोड़ पहाड़ की नाई, रवि यानी सूर्य। अब सूर्य कैसे प्रकट हुआ, ये तो समस्या है कि सूर्य प्रकट कैसे हुआ। अब सूर्य देखिए कैसे प्रकट हो रहा है, कितना सुंदर साहित्य है। रात समय रस केल कियो, रात का समय था, रस केली हुई, और भोर भय उठ मज्जन धाई, नहाने धोने के लिए नदी के किनारे गए। सुबह उठ करके नीर की शीर में लय डुबकी, यमुना जल में जैसे चंद्र की छाई। यमुना जल काली होते हैं, सावली हैं यमुना जी, और जो स्नान करने नायिका गई वो गोरी है। तो देखिए कैसे कह रहे हैं, यमुना जल में जैसे चंद्र की छाई। साहित्य में भी इन्हीं उपमाओं का प्रयोग होता है, जिनको आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी और सौंदर्य और कल्पनाशीलता से उसमें रंग भरते हैं। ले डुबकी जल सो निकली, अब वो जल में गई और डुबकी लेकर बाहर आई। उलझी अलके मुख पर छितराई, मुख पर सारे बाल आ गए उसके। दो कर केश सवार लियो, दोनों हाथों से जो उसने केश सवारे। निक स्यो रवि फोड़ पहाड़ की नाई, कितनी खूबसूरत बात कही है लिखने वाले ने, साहित्यकार ने, लेकिन उतने ही खूबसूरत चित्रण जब भाव अभिनय रस भाव इन सभी संचारी भावों और जितने हमारे तत्व हैं, जितने अंग हैं, उनको जब लेकर एक आर्टिस्ट करता है तो फिर देखने वाला बरबस आह कह उठता है और वाह कह उठता है। तो ये रंगों का एक चितेरा सौंदर्य जो है वो कलाकार के पास ही होता है। इसके साथ ही दो तीन उदाहरण और प्रस्तुत कर रही हूँ, विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए। सूर्य छुपे अदरी बदरी, अब यहाँ पर सब सांकेतिक बात हो रही है, अदरी बदरी आई नहीं थी, सूर्य छुप गए। सूर्य छुपे अदरी बदरी और चंद्र छिपे अमावस छाए, चांद कब छिपता है, जब अमावस होती है तब चांद नहीं दिखता है। पानी की बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे, मीन यानी मछली छिपे जब छा जल पाए, जब गहरा पानी होता है तब जल में आप मछली को नहीं ढूंढ सकते। भोर भय पर चोर छिपे, चोर कब छिपता है, जब सुबेरा होता है, रात के तीसरे पहर वो चोरी करता है, और जहाँ भोर का पहर की शुरुआत होती है और वो छुप जाता है। अब इसको यहाँ पर बहुत सारे गुरुजनों को भी देखा है और हम लोगों ने भी अपने गुरुओं से सीखा है कि किस प्रकार से किन किन उपमाओं को से मीन छुपाएंगे, किन चीज़ों से समय का अभाव है, वरना इसको करके भी दिखा सकती थी संभवतः फिर कभी। लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बोलने से स्टूडेंट्स जरूर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मैं पहुंचा पा रही होंगी अपना मंतव्य, कि उपमाएं कितनी खूबसूरती से हमको ये मौका देती हैं कि हम अपने नृत्य की श्री वृद्धि करें। मोर
भोर भये पर चोर छिपे और मोर छिपे, ऋतु फागुन आए। फागुन आती है तब मोर छुप जाता है और वर्षा में मोर आता है। तो इसके अंदर है कि किन ऋतुओं का हम कैसे इस्तेमाल करें, किस ऋतु में हम कौन सी प्रस्तुति करें। भोर भये पर चोर छिपे और मोर छिपे, फागुन ऋतु आए। घूंघट ओट करो कितना, घूंघट ओट करो कितना, पर चंचल नैन छुपे ना छुपाए। ये जो चंचल नयन है, कितना ही घूंघट आप कर लीजिए नहीं छिपेंगे। अब इसको कलाकार कितने तरह से दिखा सकता है, कितने अपने भावाभिव्यक्ति को पंख दे सकता है कि जो घूंघट है उससे, घूंघट है भी लेकिन उसके जो नयन है वो श्वास से ही, एक श्वास को लेकर ही वो बता सकता है कि कितने चंचल उसके नयन है, कितनी चंचलता उसके पूरे अंगों में है। अंग भाव से बता सकता है घूंघट है उसके चेहरे पर, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति असीम है, उसको वो अपने भावों से बता सकते हैं। एक और छोटा सी जल्दी जल्दी पढ़ गई हूँ। घट की न जल भरे, मग की न पग धरे, घर की न कछु काम करे, बैठी छोड़ सांसरी। एके सुनी लौट गई, एके लोट पोट भई, एकन के द्रग से निकसी आई आंसुरी। कहे रस खान ब्रज वानी तानी, सुधी पदिक कहाए, हाय कुल हाय आसरी। अब कीजे उपाय, बांस डारिये कटाए, उपजे न बांस बजेगी न बांसुरी। इसके साथ ही एक बहुत बहुत चर्चित, जो कि वीडियो पंडित लच्छू महाराज जी का वायरल भी है, बाजी घर आई, बाजी देखो नेक उधाई, बाजी मुरझाई सुनतान गिरवर धर की, बाजी हंस बोले, बाजी संग लागी डोले, सुद बिसरी सब घर की, बाजन के उठत पीर, बाजन ना सावरे चीर, बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी बांसुरी सुंदर सांवरे की। तो ये बाजी शब्द को ही लेकर देखिए कितनी उपमाएं देते हुए गुरुजनों ने ऐसे प्रयोग किए, जो हम लोगों के लिए एक चैलेंज भी है कि हम लोग उसमें आगे और क्या जोड़ते हैं। जो चीज़ें उन्होंने बता दी हैं उसमें आगे हम अपनी कल्पना को कैसे जोड़ते हैं और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और ये सारी रचनाएं मैंने मांडवी दीदी की किताब से ली हैं। और बहुत इसको हम लोग अलग अलग स्कैटर्ड थी ढूंढते थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी बहुत पुस्तक रूप में जब सामने आती है तो आने वाले हम जैसे शिष्यों के लिए भी और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। जैसे रोशन दाते जी ने भी अपनी किताब में, माणिक भाई सब ने भी अपनी बुक्स में इन चीज़ों को लिया है। तो भाव अभिव्यक्ति के लिए और पंख हमारे साहित्य से मिल सकते हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगी और इसी बात के साथ पुनः इस बात को लेते हुए और बहुत जोर देते हुए कहूँगी कि उपमाओं के बारे में हम सोचें और वो साहित्य से, कलाओं से, कोई भी पेंटिंग्स लगी हों उनको देखें, वो लोग भी उसी प्रकार से उपमा देते हैं कि एक चांद है तो सुंदर स्त्री है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसा चल रहा है, आज से नहीं बहुत पुराने साहित्य में भी हमें इसके मिलते हैं, उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। ज़रूरत है हम लोगों को और थोड़ा इस पर चिंतन करके अपने नृत्यों में, अपनी नृत्य शैली में और श्रीवृद्धि करने की। इसके साथ ही मैं सभी को, हो सकता है मुझसे बहुत लोग छूट गए, सभी गुरुजन यहाँ हैं, मैं पुनः बहुत बहुत उनको अभिवादन निवेदन करती हूँ, अध्यक्ष महोदया को प्रणाम करती हूँ और आयोजन समिति को बहुत बधाई देती हूँ। मुझे भी अपनी बात रखने का बहुत कम शब्दों में ही सही मुझे मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ स्टूडेंट्स इसमें से, हो सकता है, इन उपमाओं के बारे में सोचें और नृत्य को और असीम आयाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।